नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी लगभग दोगुना हो चुकी है, तो कटऑफ पर जरूर फर्क पड़ेगा। जैसे कि पिछली बार कटऑफ 135-36 के आसपास गई थी और फिजिकल की 123 के आसपास गई थी, तो इस बार कटऑफ 125 के आसपास फिजिकल की रहने की उम्मीद है। तो जिस प्रकार से वैकेंसी बढ़ती है तो कटऑफ घटेगी, और अगर वैकेंसी घट जाती है तो कटऑफ बढ़ जाती है। तो इसी मुद्दे पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि नई कटऑफ क्या होगी। तो जानना चाहेंगे हमारे भाई अमन सिंह और अजय सिंह, दोनों लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार वैकेंसी बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा कटऑफ पर। अमन सिंह पहले बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि सर ने आपको बताया कि एसएससी जीडी की वैकेंसी अभी बढ़ गई है, पहले 26,000 थी, अभी 46,000 के आसपास हो गई है। तो दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि जब वैकेंसी बढ़ जाती है तो कटऑफ घट जाती है, और सर ने यह भी बताया कि 135-36 कटऑफ फाइनल कटऑफ गई थी, सबसे लोवेस्ट कटऑफ बीएसएफ की लगी थी, तो 135 के आसपास गई थी कटऑफ। ठीक, तो इस बार भी फाइनल लगभग 138-140 के आसपास रहने वाली है लोवेस्ट कटऑफ की, और जो फिजिकल का है वो फिजिकल भी 125 के आसपास, समथिंग उसी के आसपास रहेगा। तो मैं भाई ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भाई, वैकेंसी बढ़ गई है और जिसका नंबर अच्छा है उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दे। अगर अभी नहीं किया हो, करना अगर फिजिकल नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से ही स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम नहीं मिलेगा। और आज तो RWA पे रोज़गार वेदांकी सर ने भी बता दिया कि बहुत जल्द SSC GD की वैकेंसी, बहुत जल्द SSC GD का रिजल्ट आने वाला है, इसी हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत लंबा इंतज़ार जो था रिजल्ट के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा इसी हफ्ते में। तो दोस्तों, आप लोग डेली बेसिस पे जाके ग्राउंड पे दौड़िए, क्योंकि इस बार ग्राउंड पे फिजिकल होने वाला है, तो आप लोग ग्राउंड को ज़्यादा प्रेफर करिए, वहाँ पे आप लोग जाइए दौड़िए। और जैसे भी बन पड़े, शूज़ पहन के दौड़ना हो तो शूज़ पहन के, या तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता हो, नंगे पैर दौड़ना हो तो नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप लोग रेगुलर जाके दौड़िए, क्योंकि मैं भी रनिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ, और मेरा और अजय भाई का थोड़ा सा नंबर अच्छा ही आया है। अब ये तो नहीं कह सकते खराब आया है, पर अच्छा आया है, तो हम लोग भी रनिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। और अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो आप लोग मॉर्निंग में दौड़ें, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा ही उमस रहती है और धूप रहती है, तो फिर वातावरण जो है रहता है वो हॉट रहता है, गर्म रहता है, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गला सूख जाता है, फिर रनिंग करने में प्रॉब्लम होती है, फिर और सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इन सबसे आपको बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग फिजिकल तैयार करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि जैसा कि आप लोग, जिनका नंबर थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, वो 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उसका भी एग्ज़ाम जो होता नहीं है कि एक एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 27 अगस्त के आसपास आपका फॉर्म जो है अप्लाई होने वाला है, और उसके बाद फिर जनवरी फरवरी में टेंटेटिव डेट रख दिए हैं एग्ज़ाम कराने की। तो जिनका अच्छा नंबर नहीं आया है, इस बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो अगली वैकेंसी की तैयारी करें। यूपी पुलिस की भी लगी हुई है और जीडी की भी है, और जो लोग भाई जीडी की भी देते हैं, सीजल देते हैं, CPOSI देते हैं, वो लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो अब मैं अजय सर को बताऊँगा, अब अजय सर को इन्वाइट करता हूँ, आपको कुछ बताएंगे। अजय सर, नमस्कार भाइयों। जैसा कि भाई SSC ने भाई हमको बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, ठीक है, सबकी वैकेंसी बढ़ा के, क्योंकि बहुत सारे लड़के भाई जिनका थोड़ा सा स्कोर कम रहेगा, जिनका किसी कारण से थोड़ा सा नंबर कम आ गया था, 120-115 के आसपास ही रह पाए थे, तो ऐसा नहीं होता कि जिनका स्कोर कम आया शायद उन्होंने मेहनत ना की हो भाई, शायद उन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन कुछ वजहों से भाई नंबर कम आ जाते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम अपने अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। लेकिन अब भाई उनको भी एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है, ठीक है, जिनका भी जिनका नंबर अभी रॉ मार्क्स अगर 110-115 के बीच में रहा होगा, और भाई जिस हिसाब से भाई रैंक आएगी और क्या कहते हैं रैंक मित्रा पे भाई नॉर्मलाइज के बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भाई स्कोर दिखा रहा है कि बढ़ रहा है 20-25 नंबर, और अगर उस हिसाब से भाई उनका नंबर अगर बढ़ जाता है 20-25 नंबर, तो भाई वो लोग भी 135-140 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर जिनका भी भाई 135 प्लस अब हो जा रहा है नंबर, अगर जिनका भी अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भाई 135 प्लस हो जाएगा,
135 से अगर 140 बीच में हो तो भाई आप लोग बिल्कुल सेफ हो, ठीक है, आपको फाइनल सिलेक्शन तक कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब हमारी वैकेंसी सेम टू सेम जितनी पिछली बार वैकेंसी थी उसके उसके पहले आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि भाई हमारा दो चार नंबर से रह जाएगा, अब सब को होगा जिनका 135 प्लस है उनका भाई जरूर हो जाएगा, ठीक है, और जिनका रा मार्क्स ही भाई 130-135 हो तो उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता यार, ठीक है, अब इतना जान लो। और भाई और अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें सुस्त नहीं पड़ना है कि भाई वैकेंसी ज़्यादा है तो अब तो भाई हो जाएगा, अब अभी नहीं हो जाएगा, अभी तो सबसे मेन हमारा पड़ाव बचा है फिजिकल, क्योंकि भाई फिजिकल में मैंने देखा है भाई अच्छे अच्छे लड़कों को छटते हुए देखा है, ठीक है, जिनका दो दो तीन तीन बार फिजिकल हो चुका है वो लोग भी जाके फिजिकल में, भाई फिजिकल में क्या है भाई, आप दौड़ रहे हो बीच में एक गड्ढा आ गया, मोच आ गया, खत्म, आपका वहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ी ना देखा जाएगा कि आप लेके जाके किसी ऑफिसर को दिखाओगे कि मैंने सीपीओ का फिजिकल तीन बार निकाला, जीडी फिजिकल चार बार निकाला, यहाँ पुलिस का फिजिकल ये निकाला, कोई मायने नहीं रखता, आप वहाँ पे अगर फिजिकल निकाल ले तो आपने कभी ना दौड़ा हो, कोई मतलब नहीं, आप वहाँ पे सबसे टॉपर हो जान लो। सबसे मेन होता भाई कि जिस दिन आपका भाई एग्जाम हो उस दिन आप अच्छा परफॉर्म करो, बाकी जो पढ़ाओ आपने कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ उसको कोई नहीं देखने वाला, तो इसी वजह से जो आप फिजिकल में करोगे वही मेन होता भाई। और फिजिकल वहाँ निकालने के लिए भाई यहाँ आपको ट्रैक पे पसीना बहाना ही पड़ेगा, ग्राउंड पे रोज जाओ भाई, ठीक है, डेली रूटीन में जिनको भाई जिनका अगर अब लग गया है नंबर हमारा अच्छा 120-125 के आसपास नंबर है भाई, तो उनका भाई जाहिर सी बात है अभी भाई 10-15 नंबर सबका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा, श्योर है, ठीक है, और जिनका नंबर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा रहा होगा शायद उनकी शिफ्ट थोड़ा हार्डेस्ट शिफ्टों में रही होगी, इसी वजह से नंबर भाई इस बार 20-25 नंबर तक भी बढ़ने के चांसेज हैं, कुछ शिफ्टें हैं ऐसी 3-4 शिफ्टें, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है भाई, आप लोग भाई फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, डाइट अपनी बैलेंस डाइट लो, ठीक है, मजबूत खाना खाओ, ठीक है, और लगातार दौड़ो भाई, और एक भी दिन रुकना नहीं है भाई। अब जैसा कि अमन भाई ने बताया कि अंकित भाटी सर ने बताया कि भाई रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला, भाई बहुत जल्द आ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है, अब तो रिजल्ट वो 2-3 दिन के अंदर पटक सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भाई आपको एक चीज़ जान लो, 15-20 दिन से ज़्यादा मौका मिलने वाला नहीं है, और उससे ज़्यादा अगर मौका नहीं मिलेगा तो भाई 15-20 दिन में रेस नहीं बनती यार, इतना जान लो, अगर आप नहीं दौड़ रहे हो अभी तो प्लीज़ यार भाई आप लोग अपनी रेस मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, दौड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, फिजिकल डाइट पे सब कुछ ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है खोने को, ठीक है, सिर्फ अब पाना ही पाना है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो भाई फिजिकल में आपको क्या करना है, अब नंबर जो तो हो गया, जो भी हो गया भाई, अब बढ़ेगा अपना, ठीक है, दौड़ना है अच्छे से और अब सिलेक्शन लेना है, ठीक है, बस एक ही काम अपने पास बचा है, दौड़ना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है, और बाकी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा, ठीक है, और सर से कुछ चाहेंगे अगर कुछ आपको बताना चाहें तो। जैसा कि हमारे दोनों भाइयों ने बताया तो आप सभी लोगों ने कुछ ज़रूर समझा होगा, तो वैकेंसी देख रहे हैं आप सभी लोग कि जस्ट डबल हो चुकी है, लगभग डबल होने का मतलब है कि कट ऑफ पे जरूर फर्क पड़ेगा, आप सभी लोग समझ रहे हैं, जैसे पिछली बार 50,000 वैकेंसी थी इस बार 46,000 कुछ हो चुकी है, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि वैकेंसी में लगभग 4,000 का फर्क आ रहा है, तो पिछली बार 3 साल की छूट दी गई थी, इस बार छूट नहीं है, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि वैकेंसी में ज़्यादा फर्क नहीं है, 3-4 हज़ार का फर्क है, उसी प्रकार से 3 साल की छूट भी दी गई पिछली बार, इस बार छूट नहीं दी गई है, तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कट ऑफ लगभग पिछली साल के जैसे ही जाएगी, तो जिनका नंबर कम है उनकी भी उम्मीद बढ़ चुकी है, तो आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए, फिजिकल की तैयारी करिए और मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। तो हम लोग इस सेशन को एंड करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मोटिवेट करके तभी सेशन को एंड करेंगे, तो दो लाइन आप लोग ध्यान सुनिएगा, हारना नहीं है तुझको हरा कर दिखाना है, कितनी भी मुश्किल हो मंजिल को पा कर दिखाना है, चाहे पर्वत आए या तूफान, हर हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय भाई, जय भारत।